हेलो दोस्तों, बायोफ्लॉक ये नाम जब कानों में पड़ता है तो दिमाग में बहुत से सवाल भी पैदा होते हैं। सवाल क्या पैदा होते हैं कि क्या बायोफ्लॉक सक्सेस है, क्या बायोफ्लॉक करके सक्सेस हो सकते हैं। मेरा ये जवाब है कि जी हाँ, रिजल्ट आपके सामने है। हमने बायोफ्लॉक किया है, उसमें सक्सेस भी हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बायोफ्लॉक क्या है। देखिए, बायोफ्लॉक वो है, बायोफ्लॉक एक साइंटिफिक तरीका है। जैसे कि हम लोग तालाब में मच्छी पालन करके उसमें मुनाफा कर सकते हैं, ऐसे ही एक बायोफ्लॉक वो साइंटिफिक तरीका है, एक छोटी सी जगह पे आप लोग मच्छी पालन करके तालाब की ही तरह मुनाफा कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हम लोगों ने आज मच्छी पकड़ के उसको हम लोगों ने वेट किया था, अपडेट किया कि कितना पर केजी में कितना पीस मछली पड़ते हैं। हम लोग ने बायोफ्लॉक किया है, हम लोग जो ये बायोफ्लॉक किए हुए हैं इसमें मल्टीपल मच्छी रखे हुए हैं, हर तरह की मच्छी इसमें है और इसमें हम लोग सक्सेस भी हैं। ये नहीं कि हम एक ही तरह का मच्छी रखें, इसमें पंगासियस भी हैं। एक ही टैंक में हम लोग पंगासियस रखे हैं, रूपचंदा रखे हुए हैं और तिलापिया रखे हुए हैं और उसमें कुछ मांगूर भी रखे हुए हैं। तमाम मछलियों के एक साथ कर भी हम सक्सेस हैं, तो आप लोग भी इसमें सक्सेस हो सकते हैं। बायोफ्लॉक में सक्सेस होने के लिए 3 से 4 चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें ये हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा बात जो आपको चाहिए, आपको अमोनिया कंट्रोल, आपको अमोनिया कंट्रोल करना है। वो भी किस तरीके करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। आपको पीएच कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखना है और सबसे बड़ा चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। आपको बायोफ्लॉक में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का ज़रूरत है। जैसे कि देखिए, हम लोग ने एरिएशन लगाया हुआ है, ऐसे आप लोग भी एरिएशन लगा सकते हैं, लगाना ज़रूरी है। बायोफ्लॉक में एरिएशन नहीं लगाएंगे तो आप लोग मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे अमोनिया किस तरीके से कंट्रोल करना है, पीएच किस तरीके से कंट्रोल करना है, टीडीएस का भी किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस तमाम के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इन तमाम को जानने के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन तमाम का जानकारी आपको मैं वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, बायोफ्लॉक सक्सेस है, आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। इन कुछ छोटे मोटे 3-4 चीज़ों का आप लोग जो है ध्यान रखकर आप बायोफ्लॉक में सक्सेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो आपको गलत सलाह देते हैं और गलत जो जानकारी देते हैं, उन तरीके लोगों को प्लीज़ फॉलो ना करें, नहीं तो आप लॉस में पड़ सकते हैं, मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो आप काफ़ी बड़ा लॉस कर सकते हैं और आप बायोफ्लॉक से मुंह फेर सकते हैं। लेकिन बायोफ्लॉक जो है, आप लोग बायोफ्लॉक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही था, आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं हम लोग ने मच्छी ये किया है, हम लोग वज़न किया है मछली कितना पीस 1 केजी में पड़ते हैं। तो चलिए, मैं यहीं रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों। तो